राजस्थान की राजनीति का गढ़ माने जाने वाला जोधपुर हमेशा सुर्खियों में रहा है। इस बार भी देश की निगाहें जोधपुर पर टिकी हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां से प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं। अब ऐसे में चर्चा यह है कि गजेंद्र सिंह सीएम अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की संभावनाओं के बाद ये सीट और अधिक हॉट हो गई है। देखिए रिपोर्ट। जोधपुर प्रदेश का वो जिला है जिसने जय नारायण व्यास से लेकर बरकतुल्ला खान उसके बाद अशोक गहलोत के रूप में राजस्थान को तीन मुख्यमंत्री दिए हैं। अशोक गहलोत की किस्मत ने उनका कुछ इस तरह से साथ दिया कि तीन बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला। जननायक के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए गहलोत ने वर्तमान कार्यकाल में सरकार के संकट और कोरोना काल जैसे काफी उतार चढ़ाव देखे। मैं था सु दूर नहीं कि बात कहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सरकार रिपीट होने का पूरा भरोसा है। मैं तो कह सकता हूँ कि मैं था सु दूर नहीं राजस्थान भर के लिए मैं कहना चाहूँगा मैं पहुँच जाऊँ। इससे अर्थ क्या है? बीमारी निकल जाए छोटी बड़ी, पर मैं था सु दूर नहीं रहूँगा। मेरे दिल में हमेशा राजस्थान का जो कोना कोना है, एक गांव है, एक ढाणी है, वहाँ तक मैं था सु दूर नहीं रहूँगा। ये मेरे खून में है, ये मेरे ब्लड के अंदर है कि मैं यहाँ की जनता का मुझे इतना प्यार मिला है। आज जो मुझे प्यार मिल रहा है गांव में ढाणी में, ये मेरे लिए कोई सबसे बड़ा पद है। राजस्थान की जनता का आज जो प्यार मेरे दिल में है, वो कोई भी सबसे बड़ा भावना है मेरे प्रति। वही उधर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक स्वरूप में शेखावत के योगदान और प्रदेश के मुद्दे उठाने में जो कैडर उन्होंने स्थापित किया, उसके चलते हर किसी की निगाहें अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी टिकी है। इसी वजह से चर्चाएं तेज हो चली हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने खुद गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी ताल ठोक सकते हैं। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ किया कि ये सब पार्टी का निर्णय होगा। पार्टी जहां से चुनाव लड़ाएगी वहीं से लड़ेंगे। पार्टी यदि संगठन में काम करने की जिम्मेदारी देगी तो वो भी बखूबी निभाएंगे। अगर ये तय कर दे कि मंत्रियों को चुनाव लड़ना है, तो आपकी इच्छा हो और नहीं हो तो भी चुनाव लड़ना है, आदेश है, तो इसमें कहीं किसी तरह का प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है? जिनका विशेष अधिकार है वो तय कर देंगे कि गजेंद्र सिंह को या किसी और मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़ना है या लोकसभा का चुनाव लड़ना है या दोनों ही चुनाव नहीं लड़ना है, संगठन में जाकर के काम करना है। और हमारे तो उसके ऊपर भी जो हमारा परिवार है, जिस विचारधारा से हम आते हैं, हमारा विचार परिवार है, वो ये तय कर दे कि अब गजेंद्र सिंह जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता जो है वो सेवा भारती में ज्यादा है, तो वहाँ जाकर के काम करे तो वहाँ जाकर के करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों दिग्गज जोधपुर से ताल्लुक रखते हैं। जहां अशोक गहलोत तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय से चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ा, छात्र राजनीति में शुरुआती चुनाव हार कर भी गहलोत ने अपना हौसला नहीं खोया। अशोक गहलोत अपने जीवन में चुनाव भले ही चार बार हार चुके हों, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारे। यही वजह है कि तीन बार मुख्यमंत्री के पद को उन्होंने संभाला। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत तीन बार केंद्रीय मंत्री रहे, तीन बार पीसीसी से अध्यक्ष रहे और तीन बार राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का दायित्व संभाला। तो वहीं जोधपुर विश्वविद्यालय से गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी चुनाव लड़कर छात्र राजनीति से अपना सियासी सफर शुरू किया। गहलोत को जहां पहले पायदान पर हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत छात्र संघ चुनाव जीतने में कामयाब हुए। गजेंद्र सिंह ने छात्र संगठन से लेकर भाजपा में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। ऐसे में देखना होगा कि राजनीति में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत क्या सरदारपुरा सीट पर एक दूसरे के सामने होंगे या नहीं। यदि गजेंद्र सिंह सरदारपुरा से ताल ठोकते हैं तो ये चुनाव काफी दिलचस्प होगा। 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर 200 सीटों में से अगर किसी एक सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा है तो वह है सरदारपुरा।
सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतिनिधित्व करते हैं। हर बार भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी ऐसे चेहरे को लाती है जो मुख्यमंत्री को शिकस्त दे सके, लेकिन अब तक ऐसा कोई शिकस्त देने वाला हुआ नहीं। बात महेंद्र झाबक की करें और या फिर बात शंभु सिंह खेतासर की करें या मेघराज लोहिया की करें, इस बार जो चर्चा चल रही है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की चल रही है। हालांकि शेखावत ने साफ कहा है कि वो पार्टी के निर्देशों की पालना करेंगे, जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं थांसू दूर नहीं, तो समझा जा सकता है कि यहाँ की जनता जिस तरीके से मुख्यमंत्री को प्यार करती है और साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दो दो बार लोकसभा भेजा है, दो दो बार वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, समझा जा सकता है टक्कर काटे की। लेकिन अपनाएं जीतती है, मोहब्बत जीतती है या चुनाव जीतने के बाद में अलग अलग भावनाएं सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके उलट बात करें तो ये वही जोधपुर है जिसने तीन तीन मुख्यमंत्री दिए हैं, जनरल व्यास से लेकर के बरकतुल्ला खां और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने जिस तरह से तीन बार मुख्यमंत्री का 15 सालों तक निर्वहन किया है, ऐसे में समझा जा सकता है कि विधानसभा में कौन सा चेहरा पहुंचेगा, कौन किसको शिकस्त देगा और क्या जिस तरह के सवाल और कयास लगाए जा रहे हैं उनका क्या परिणाम सामने आता है। इस सीट पर निश्चित रूप से केवल देश की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग दूर दराज भारत के बैठे हुए हैं उनकी नज़र भी इस सीट पर रहेगी। सुमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।